हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ हल्का हलचल में। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी। किसानों के आंदोलन के 100 दिन हुए पूरे। आज 5 घंटे के लिए केएमपी जाम करेंगे किसान। सुबह 11 से शाम 4 बजे तक केएमपी करेंगे जाम। केंद्र सरकार और किसानों में गतिरोध लगातार बरकरार है। चुनावी राज्यों में बीजेपी के खिलाफ करेंगे किसान प्रचार। लगातार आंदोलन जारी है। 100 दिन हो चले हैं किसानों के आंदोलन को और 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में किसान विरोध प्रकट करते हुए केएमपी पर 5 घंटे का जाम करेंगे। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक केएमपी जाम रहेगा। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी। किसान एक तरफ केएमपी पर 5 घंटे का जाम करेंगे, वहीं किसानों ने ये रणनीति बनाई है कि कैसे सरकार के खिलाफ प्रचार करना है उन तमाम राज्यों में जहां पर आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको बता दें, केरला, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में किसान नेता वहां पर रैलियां करके और बातचीत लोगों से करके सरकार के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, लगातार आंदोलन जारी है। राकेश टिकैत लगातार संसद को घेरने की बात कर रहे हैं, संसद की बात कर रहे हैं। पहले भी राकेश टिकैत कह चुके हैं कि ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंचेंगे। अब राकेश टिकैत ने बयान दिया है कि संसद के बाहर भी एक मंडी बन रही है। किसान अगर अपनी फसल एमएसपी पर ना बेच पाए तो संसद में लेकर चले जाए। इस तरह की बयानबाजी लगातार राकेश टिकैत कर रहे हैं और इस खबर पर हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ चुके हैं। पानीपत से सीधा उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, केएमपी 5 घंटे के लिए बंद रखने वाले हैं, किसान उसे जाम करने वाले हैं, ऐसे में कितनी बड़ी परेशानी लोगों के लिए खड़ी हो सकती है? देखिए बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से आज जो ऐलान किया है, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 100 दिन हो गए हैं और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस हाईवे जो है वो लगातार, ये लगा लीजिए, लोगों की रीढ़ की हड्डी है। और जिस तरीके से बार बार ये कहा गया है और आज ये ऐलान किया गया है कि उसको 11 बजे से शाम के 4 बजे तक बंद कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें हैं। और इसमें मैं आपको एक चीज और बोल दूं कि राकेश टिकैत ने ये भी ऐलान किया कि देखिए संसद के अंदर हम लोग जो है, जो सरकार ने कहा था, सरकार की बातों को उन्होंने सीधा सा रखा है कि सरकार जो कहती थी कि आप गेहूं कहीं भी बेच सकते हैं, उनका इशारा था कि आप प्राइवेट, आपके पास अगर फसल है आप खड़ी बेचें, तो उन्होंने सीधा कहा है कि अब की बार जो फसल है हम ट्रैक्टरों में लेके जाएंगे और संसद के अंदर बेचेंगे, क्योंकि ये सरकार का ही कहना था। दूसरी तरफ अगर पानीपत के अंदर जिस तरीके से दूध के जो है एकदम से भाव बढ़े थे, तो कहीं ना कहीं वहीं किसानों की एक मीटिंग हुई है जिसमें 40 किसान यूनियन के लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हम फसलें और दूध जो है वो बर्बाद नहीं करेंगे, हम वो दूध और फसल जो है उसको जो है गरीब लोगों के लिए रखेंगे और हमारा जो आंदोलन है वो लगातार जारी होगा। तो ये आप लगा लीजिए कि किस तरीके से आंदोलन जो है वो लगातार धीरे धीरे सक्रिय होता जा रहा है। कहीं ना कहीं किसान भी जो है, जिस तरीके का एक बातचीत का मसौदा है उस पर, उसको लेकर, और कहीं ना कहीं केंद्रीय सरकार जो है तो वो बीच की कड़ी जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रही है कि जिस वजह से एक समझ में हो जाए और आपस में तालमेल बनकर कहीं ना कहीं इस पर दोबारा से बातचीत हो। जी जी जितेंद्र, अब आंदोलन किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? जिस तरीके से बॉर्डर्स अब धीरे धीरे जो है खुले हैं, अब माहौल शांतिपूर्ण हुआ है पिछले दिनों के कंपैरिजन, अब क्या लगता है आंदोलन किसान किस तरीके से संचालित कर रहे हैं, कहां जा रहा है? गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, ऐसे में किस तरह की व्यवस्था, कितने लोग सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं, क्या जानकारी? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि नंदिनी, देखिए धीरे धीरे जो है किसान, जिस तरीके से किसानों का ये आंदोलन था बीच में, एकदम से मैं कहूंगा कि 26 जनवरी की जो घटना हुई थी उससे कहीं ना कहीं लोगों में एक रोष था। उसके बाद जो है राकेश टिकैत का जो वीडियो जो है रोते हुए जो वायरल हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो किसान जो है एकजुट हुए हैं और आज जो है राकेश टिकैत किसान यूनियन का
प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे गुरुनाम सिंह चरूनी की बात कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं किसान एकजुट हैं, वो अड़े हुए हैं, वो वार्ता भी चाहते हैं और अपनी मांगों को लेकर भी उन्होंने सीधा कहा था, सरकार की तरफ से आया था कि हम जो है इस बातचीत का दायरा जो है आप अगर ये कहें तीनों कृषि कानूनों को कुछ समय के लिए लंबित कर देती हैं, यानी कि हम रद्द तो नहीं करेंगे उनको, लेकिन कुछ समय के लिए इसमें ठहराव किया जा सकता है, लेकिन वो उस बात से भी नहीं माने। उनका सीधा ऐसा कहना है जब तक ये रद्द नहीं हो जाते और इन पर जब तक इसको पूरी तरीके से सरकार जो है इसको रद्द नहीं कर देती हम पीछे नहीं हटेंगे, तो कहीं ना कहीं किसान बढ़ने लगा है। अब उसके पास रोज का एक ही तरीका है कि आने वाले समय में उसकी गेहूं की फसल आ रही है और दूध को लेकर जिस तरीके से किल्लत महसूस हुई थी तो वो कहीं ना कहीं उनका एक निर्णय अच्छा था कि आम लोगों को जो है आम लोगों को इससे दूध से बचाया जा सके और उनके पास घेरने के बहुत मुद्दे हैं, चाहे वो परेशानियां भी कुछ हद तक कम हो। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं उकलाना से, सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, 100 दिन हो चले हैं किसानों के आंदोलन को और जिस तरह की एकजुटता आंदोलन के बीच किसानों में देखने को मिली है वो वाकई काबिले तारीफ है। जी नंदनी जी, बिल्कुल 100 दिन पूरे हो चुके हैं और हम ये कहें कि एक साल क्रॉस करके दूसरे साल में आंदोलन चला गया जो अपने आप में एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन बना है और इस आंदोलन में अनेक प्रकार के हमने यहाँ पर देखे कि किस प्रकार के बदलाव सामने आए हैं, जिसमें अलग अलग रणनीतियां बनाते हुए किसानों ने 100 दिन पूरे किए हैं। उसमें ज्ञापन से ये शुरू हुआ आंदोलन और आज गणतंत्र को पार करते हुए यहां तक पहुंचा है, तो ये अपने आप में किसान इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। हालांकि अब फसलों का सीजन शुरू होगा लेकिन उसके बावजूद भी किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। इसको लेकर के कल अभय सिंह चौटाला जो इनेलो के महासचिव है वो भी हिसार पहुंचे थे और लगातार 3 फरवरी से हिसार के अंदर जो वकील है वो भी किसानों के पक्ष में धरना दे रहे हैं, तो उसका उन्होंने समर्थन किया था, उन्होंने भी भाजपा पर निशाना साधा। तो लगातार जो 100 दिन पूरे किए हैं तो ये किसान आंदोलन आगे भी इसी तरह चलता रहे इसकी रणनीति भी किसान बना रहे हैं। जी जी बिल्कुल अनूप, और केएमपी 5 घंटे के लिए किसान जो है जाम रखने वाले हैं। अब देखिए सिंघू बॉर्डर जब से जाम है, ब्लॉक है, तब से केएमपी एक अल्टरनेटिव रास्ता है लोगों के लिए, बहुत आसान रास्ता है, और ऐसे में अगर 5 घंटे के लिए जाम होता है तो कितनी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। देखिए जिस प्रकार से किसान आंदोलन के ऊपर से जो भी कॉल आती है तो जरूर वो कामयाब हो जाती है, क्योंकि पहले जाए 6 फरवरी की बात हो रोड जाम करने की, उसके बाद पहले के जो टोल प्लाजे मुक्त करने की बात हो, और अगर अब संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया है कि 6 घंटे के लिए केएमपी को जाम किया जाएगा तो 100% वो करेंगे। हालांकि इससे परेशानियां बढ़ सकती हैं, उससे पहले प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए होंगे जरूर कि रास्ता बदला जाए, लेकिन किसान इसके माध्यम से भी जरूर एक संदेश सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि 100 दिन भले ही पूरे हो गए लेकिन किसानों के हौसले हैं वो भी अभी तक टूटे नहीं हैं और वो जिन कानूनों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं हो सकता है जब तक वो वापिस ना हो तब तक इस आंदोलन को ऐसे ही चलाते रहे। जी जी बिल्कुल अनूप, अब किसानों की फसल कटाई का वक्त नजदीक है और ऐसे में खेतों में किसानों की मौजूदगी भी महत्वपूर्ण है, तो अभी फिलहाल अगर आपके आसपास उकलाना के आसपास में गांव खेतों की बात करूं तो क्या वहां पर किसान कह रहे हैं, खेतों को कैसे वक्त दे रहे हैं, कैसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कैसे आंदोलन को संचालित कर रहे हैं? नंदनी जी बहुत अच्छा सवाल ये पूछा गया है। मैं बताना चाहूंगा कि किसान पहले की तरह नहीं इस बार कुछ अलग तरीके से अपनी फसलों की कटाई करते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले तो किसान एक दूसरे के साथ मिलकर के कटाई करना शुरू कर चुके हैं, जैसे अब सरसों की कटाई शुरू हुई है, पहले किसान अपनी अपनी फसलों की कटाई करते थे लेकिन अब एक दूसरे की फसल का हाथ बटाने लगे हैं। किसी की फसल अगेती आती है उससे पहले और किसी की पछेती आती है, तो जिनकी बाद में फसल कटाई इसमें होता है वो उनके साथ लग के पहले उनका काम निपटाने में चले हैं। जिस प्रकार से संयुक्त किसान मोर्चा गुरनाम सिंह चुडनी व अन्य किसान नेताओं ने आह्वान किया था कि एक दूसरे का सहयोग करें, और इसमें इस बार महिलाओं की भी भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ कर रही है। पहले महिलाएं ज्यादातर खेत की बजाय घर का कार्य किया करती थी लेकिन इस बार उन्होंने भी अपने जो कृषि दातियां हैं और हैं इस प्रकार के जो भी कृषि औजार हैं उनको उठा करके खेतों में काम करना शुरू कर दिया है, और उन्होंने पुरुषों को इसलिए कह दिया है कि वो आंदोलन संभाले और खेत का काम घर के साथ साथ महिलाएं संभालेंगी। जी
जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर 100% सहयोग से एक दूसरे के और एकजुटता से आंदोलन को संचालित करते आ रहे हैं और अभी भी लगातार अब खेतों में फसल कटाई में भी यही एकजुटता नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी जगदीश हमारे साथ जुड़ गए हैं अब कालावली से, सीधा उनका रुख करेंगे। जगदीश, आंदोलन 100 दिन पूरे कर चुका है, आगे अब कब तक चलेगा? आंदोलन का अंत कुछ नजर नहीं आता दूर दूर तक। अब अगर बात करें किसानों की रणनीति की, किस डायरेक्शन में, किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है? चलिए जगदीश, तो एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। किसानों के आंदोलन को 100 दिन पूरे होने के दिन अब किसान के एमपी पर 5 घंटे जाम करेंगे। हालांकि इन दिनों किसानों ने मुख्य तौर पर उन राज्यों में प्रदर्शन करने की योजना बनाई है जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, केरला हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पश्चिम बंगाल या असम, इन तमाम राज्यों में किसान अब अपनी मौजूदगी दर्ज करेंगे तमाम किसान नेता। हमारे सहयोगी जगदीश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश, अब आंदोलन को ओवरऑल अगर देखें तो किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है? नंदनी, बिल्कुल आंदोलन की बात करें तो आंदोलन को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। आज 101वां दिन है। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसान है जो डटे रहेंगे। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान है, तीनों कृषि कानूनों के विरोध को रद्द करने की मांग है जो किसान कर रहे हैं। एमएसपी को लेकर भी नया कानून बनाने की मांग कर रहे हैं किसान। जो 5 राज्य चौराहे हैं बीजेपी के खिलाफ, उसमें प्रचार करेंगे। कहीं ना कहीं आज जो है कुंडली मानेसर और पलवल एक्सप्रेस को भी रोक 5 घंटे के लिए 11 से 4 बजे तक जो रोका जाएगा। किसान आंदोलन के 100वें दिन पूरे हो चुका है, लेकिन सरकार और किसानों के बीच में जो तालमेल है वो बैठ नहीं पा रहा है। जी नंदनी, जी बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर जो ये कम्युनिकेशन गैप है सरकार और किसानों के बीच, दोनों ही पक्ष अब शांत हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए दोनों पक्षों में से किसी ने भी पहल नहीं की है, तो कुल मिलाकर जो आंदोलन है, जो मसला है, जो समस्या है, उसका हल, उसका आंदोलन का अंत अनंत काल तक नजर नहीं आ रहा। यानी कि अंत होगा, नहीं होगा, कब होगा, कोई भी आंदोलन एक लिमिटेड समय सीमा तक चल सकता है। कोई स्ट्रैटेजी सरकार के पास भी नहीं कि आंदोलन को कैसे समाप्त कराया जाए। जी बिल्कुल नंदनी, सरकार को थोड़ा बहुत बातचीत का हल निकालना चाहिए और किसानों को भी थोड़ा झुकना चाहिए, क्योंकि अब आंदोलन जो काफी लंबा हो चुका है और आंदोलन का कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए आम लोग हैं जो परेशान हो चुके हैं, परेशान होने लगे हैं। किसानों को भी थोड़ा बहुत इस ओर ध्यान देना चाहिए और अपनी जो कमेटी है बनाकर सरकार से बात करनी चाहिए। सरकार को भी थोड़ा बहुत जो कानून में बदलाव करके किसानों की बात को मानकर इस आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। जी बिल्कुल नंदनी जी, चलिए शुक्रिया जगदीश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी कालावली से। तो आज मुख्य तौर पर बात हम कर रहे हैं केएमपी एक्सप्रेसवे 5 घंटे के लिए बंद होगा, तो लोगों को किस तरह की परेशानियां आ सकती हैं, चाहे मानेसर से ट्रैवल करने की बात हो या हरियाणा से दूसरे प्रदेशों में जाने की बात हो, हरियाणा से यूपी को कनेक्ट करने की बात हो, तो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल लोग हर दिन काफी संख्या में करते हैं, काफी संख्या में लोग हर दिन इस पर ट्रैवल करते हैं। ऐसे में 5 घंटे के लिए अगर इस पर जाम लगा देते हैं किसान, तो जाहिर तौर पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो किसानों के आंदोलन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और 100 दिन पूरे होने पर अब किसान अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, उन राज्यों में विरोध करके, उन राज्यों में सरकार के खिलाफ प्रचार करके जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। देश में आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में किसान अब एक्टिवली वहां पर सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे, सरकार के खिलाफ लोगों को बताएंगे कि कैसे किसान विरोधी फैसले सरकार द्वारा लिए गए हैं। अब ये स्ट्रैटेजी किसानों ने बनाई है उन राज्यों के लिए जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। और मुख्य तौर पर अगर बात करें यहां उत्तर भारत की, नॉर्थ इंडिया की, हरियाणा दिल्ली की, तो यहां पर तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है ही, और केएमपी एक्सप्रेसवे पर भी किसान 5 घंटे के लिए जाम लगाएंगे। तो एक्टिवली अब पूरे देश में किसान कहीं ना कहीं अपने इस आंदोलन को करना चाहते हैं, लेकर जाना चाहते हैं। अभी फिलहाल शांति बनी हुई है, लोग भी जो किसान जहां पर जिन बॉर्डर्स पर बैठे हुए थे उन बॉर्डर्स पर लोगों को
ट्रैवल करने का स्पेस भी मिला है। सिंघू बॉर्डर ब्लॉक है पूरी तरीके से, लेकिन उसके अलावा जो बॉर्डर जहां किसान बैठे हुए थे वहां पर लोगों के लिए रास्ते खुल गए हैं, तो शांति है। लेकिन अभी भी असमंजस की स्थिति इसलिए है क्योंकि इतनी संख्या में किसानों की मौत हो चुकी है इस आंदोलन में जो आए हैं, और ऐसे में और किसानों की जान ना जाए, सब अपने घर पहुंचे, अपनी फसल काटे, अपने परिवार के साथ रहें, इसके लिए समाधान निकालने की जरूरत है। लेकिन अभी सरकार और किसान बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गगन जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। गगन, अगर बात करें आपके क्षेत्र की, तो वहां पर फिलहाल अभी आंदोलन को 100 दिन हो चुके हैं, किसानों के आंदोलन को लेकर क्या तस्वीर दिख रही है? देखिए, बताना चाहूंगा जो किसान बैठे हुए उनके उनका कहना यह है कि जो दिल्ली बैठे जत्थेबंदी है उनके दिशा निर्देश अनुसार ही जो रणनीति तय की जाती है। और बात की जाए तो आज के एमपीएच को भी 5 घंटे के लिए 11 बजे से लेकर 4 बजे तक पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा। सरकार इन किसानों का कहना है कि जो सरकार तीनों कृषि कानून लेकर आई है उसको रद्द करे और एमएसपी पे कानून लेके आए, और जहां जहां भी जो इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर जाकर उनका बीजेपी का विरोध करेगी। जी बिल्कुल गगन, अब किसान केएमपी एक्सप्रेस वे पर भी 5 घंटे के लिए जाम करने वाले हैं, किस तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं तमाम हरियाणा वासियों के लिए? कहीं ना कहीं बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो केएमपी भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया तो जो कच्चा सामान है जो अलग राज्यों में जाता है, कहीं पे भी जाता है, हरियाणा के किसी भी हिस्से में जाता है, तो ये कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा पूर्ण रूप से, और कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भी देखने को मिलेगा। चलिए शुक्रिया आपका गगन तमाम जानकारी के लिए। अब मैं रुक करूंगी, हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनसे बात करेंगे। लाजपत, 100 दिन हो चले हैं किसानों के आंदोलन को, और अब किसान जो है अपने आंदोलन को जिस तरीके से आगे लेकर जा रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है आंदोलन कहां पहुंच रहा है, किस तरह की रणनीति नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो आज केएमपी का जो आह्वान किया गया है, जो कि 5 घंटे का बंद करने का ऐलान किया गया है, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे साथ, हम रेल में सफर तय कर रहे हैं और लोग हमारे साथ शामिल हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आज केएमपी जो बंद करना है उसको लेकर कहीं ना कहीं किस तरह की दिक्कत आती है उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सोनीपत से हैं आप खासकर, और जैसे भी अब किसानों का आज आह्वान किया गया 5 घंटे का जो केएमपी को बंद करने का, आप किस नजर से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं उस किसान भाइयों और नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो किसी भी दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी या घायल लोगों के लिए रास्ता छोड़े, और जो भी उन्हें आंदोलन करना है वो बड़ा शांतिपूर्वक रखें। सबसे बड़ी बात ये है कि वहां पर जो भी आंदोलन होता है वो शांतिपूर्वक ही किया जाए तो बेहतर है, वो वहां के क्षेत्र के लोगों के लिए और दूसरे लोगों के लिए परेशानी का कारण ना बने। बिल्कुल, और भी हमारे साथ शामिल है, जब भी इस तरीके का आंदोलन होता है, जैसे आज केएमपी को बंद किया जाने का आह्वान है, 5 घंटे जो केएमपी बंद होगा, आसपास का जो एक क्षेत्र है, और जब भी इस तरह का आंदोलन होता है किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये जो जितने भी आंदोलन है ये डर का तो माहौल तो रहता ही है, और जो आंदोलनकारी इनके अंदर असामाजिक तत्व भी घुस जाते हैं, तो इसके अंदर ये देखना चाहिए, क्योंकि हरियाणा पहले भी बिल्कुल 15-20 साल पीछे चला गया, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्री हब है या एजुकेशन पॉइंट है या आने जाने के गंतव्य है, ये सभी एकदम विराम लग गया है, तो ये आंदोलनकारियों को समझना चाहिए और आम जनता के लिए राह देनी चाहिए। हमारे साथ और भी बात करते हैं, बताइए जी। देखिए साहब, जब ये जो केएमपी का मामला और ये बंद का जो बात आ रही है, इसके लिए हमारा सरकार और किसान दोनों के सामने एक छोटा सा आग्रह है जनता की तरफ से, क्योंकि हम जनता हैं। ये जितने भी जो वाहियात जो है, कुछ एक एक्टिविटीज बीच में जो होती हैं, इससे किसान बदनाम होते हैं, सरकार को जो है ना उस प्रशासनिक व्यवस्था को बनाने में दिक्कत आती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो आज 100 दिन से ज्यादा, मतलब कि सेंचुरी मार चुका है, और इस 100 दिन के दौरान समस्या सबसे बड़ी क्या है कि ये भारत का सबसे बड़ा एक राजमार्ग, मतलब कि आपका नेशनल हाईवे जो है हमारा सबसे बड़ा है, जो इतने जो है इस राष्ट्र की राजधानी से आपके हरियाणा को, पंजाब को, चंडीगढ़ को, हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। अब यहाँ पर आवाजाही इफेक्टेड हुई है, इससे हमारे उद्योग हैं उनको भी काफी जो है नुकसान हुआ है, और आम जन इस चीज से बड़ा परेशान है।
तो और ये परेशानी इस तरीके से बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जो बता रहे कि पांच घंटे जैसे कि ये बंद होगा तो इसके अंदर और ज्यादा जो है दिक्कतें आएंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये होती है कि किसी का ब्याह शादी का टाइम है उसके अंदर उसको जाना है, या कोई बीमार व्यक्ति है उसको जाना है। अब जब मेन जगह है वहां पर मेन स्ट्रीम जो स्पेस है वही इफेक्टेड हो रहा है, तो ये आमजन का जो जीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो प्रार्थना है कि वो थोड़ा इसके ऊपर भी गौर करें। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ और भी यात्री हैं जो सोनीपत से हैं, खरकोदा से हैं। आप जब भी इस तरह का आंदोलन होता है, जैसे आज पांच घंटे का आह्वान किया गया है, आज पूरे 100 दिन एक दिन हो चुका है, इस आंदोलन को किस तरह से नजरिए से देखते हैं, क्योंकि पांच घंटे का जो बंद करने का ऐलान किया गया है? देखो केएमपी का मतलब है कुंडली से पलवल और कुंडली से वाया गाजियाबाद पलवल, और इससे करीब करीब 10 शहर जुड़े हुए हैं और देश के, चाहे वो जयपुर हाईवे हो, चाहे हिसार हाईवे हो, चाहे नेशनल हाईवे नंबर 1 हो जिसे जीटी रोड कहा जाता है, तो इसी तरीके से सारे अगर 250 से 300 किलोमीटर लंबा ये मार्ग है टोटल, इससे आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। और कुछ लोग ड्यूटी वाले हैं, चाहे वो आम आदमी है, चाहे एम्बुलेंस वगैरह हैं, दिल्ली के चारों तरफ का एरिया करीब करीब 1 करोड़ की आबादी इससे प्रभावित होगी, इसलिए सरकार का पूरा फेलियर भी है। सरकार अभी तक इस आंदोलन को मैनेज नहीं कर सकी है, और उधर दूसरी तरफ किसान भी परेशान है, तो सरकार को कोई ना कोई ऐसा उपाय, ऐसा रास्ता निकालना चाहिए ताकि आम आदमी भी परेशान ना हो और इस तरह के आंदोलन थोड़ा सा कम हो। जी बिल्कुल लाजपत, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतने सारे लोगों से लाजपत ने देखी बातचीत की, और आपने देखा लोगों का क्या रिएक्शन किसान आंदोलन को लेकर। इसी के साथ ही हल्का हलचल में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।